हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम आपको एक बहुत ही खास जानकारी देना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इन्वर्टर वगैरह रिपेयर करते हैं, तो उसका इन्वर्टर रिपेयर करने के लिए तो हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि इन्वर्टर टेस्टिंग बोर्ड। और बहुत सारे लोग इन्वर्टर रिपेयर करना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं होती कि इन्वर्टर टेस्टिंग के लिए बोर्ड वगैरह कैसे दिया किया जाए या इसकी फीस कैसे दिया किया जाए। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। इन्वर्टर टेस्टिंग के लिए बोर्ड तैयार करने के लिए हमें जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, उसमें सबसे पहले हमारी चीज़ है बैटरी। एक इन्वर्टर बैटरी की हमें जरूरत पड़ेगी, जिससे कि हम इन्वर्टर चार्जिंग वगैरह या लोड चेक कर सकें। उसके बाद जो हमें जरूरत पड़ेगी, हमें एक एम्पियर मीटर की जरूरत पड़ेगी। एम्पियर मीटर हमारा कम से कम 50 एम्पियर का होना चाहिए। और एक एमसीबी की जरूरत पड़ेगी कम से कम 50 एम्पियर की। उसके अलावा एक फ्रिक्वेंसी मीटर, जिससे कि हम इन्वर्टर की फ्रिक्वेंसी वगैरह सेट कर सकें। और उसके अलावा हमें जरूरत पड़ेगी एक वोल्ट मीटर, जिससे कि हम इन्वर्टर की आउटपुट का वोल्टेज चेक कर सकें। और इसके अलावा हमें जरूरत पड़ेगी जो बहुत ही खास चीज़ है, एक डीसी वोल्ट मीटर। डीसी वोल्ट मीटर कम से कम 35 या 40 वोल्ट का होना चाहिए, जिससे कि हम 500 वाट और 1000 वाट दोनों इन्वर्टर के चार्जिंग पर सेट कर सकें और चेक कर सकें। इसके अलावा हमें जरूरत पड़ेगी कम से कम 5 बल्ब होल्डर, 5 पीस बल्ब और 5 पीस बंद स्विच, 1 पीस सॉकेट। ये बल्ब हम इसलिए इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें इन्वर्टर पर आउटपुट पर लोड चेक करना होगा। हम बल्ब की बजाय कुछ और लोड भी चला सकते हैं, बट बल्ब से हमारा लोड की थोड़ी एक्यूरेसी रहती है कि ठीक है, 100 वाट के घर में 4 या 5 बल्ब लगा दिए तो हमारा 400 वाट या 500 वाट लोड हमें पता है कि ये पड़ रहा है। इसके अलावा लोड पर हम कुछ भी दूसरा लोड भी चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बट ये हमारा टेस्टिंग के लिए बल्ब ज़्यादा बेहतर रहता है। आइए अब आपको बताते हैं कि इसके कनेक्शन कैसे किए जाएँ, ताकि सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट हो जाए और हमारा टेस्टिंग बोर्ड काम करना शुरू कर दे। मान लीजिए ये हमारी बैटरी है और ये हमारी एमसीबी है। बैटरी में हमारे दो पॉइंट रहते हैं, प्लस और माइनस। इसमें से हम कोई सा भी एक वायर उठा लेंगे, वैसे हम ये प्लस वाला वायर उठाते हैं। प्लस का वायर उठाकर हम एमसीबी से कनेक्ट कर देंगे। एमसीबी के एक पॉइंट पर हमारा यहाँ से वायर उठ कर गया, और दूसरे एमसीबी के दूसरे पॉइंट से हमारा जो वायर उठेगा, ये हमारा एम्पियर मीटर के पॉइंट पर कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारा एम्पियर मीटर है, इसमें दो पॉइंट्स होते हैं। एक पॉइंट पर हमारा ये वायर कनेक्ट हो गया, और दूसरे पॉइंट से हमारा एमसीबी के सॉरी ये एम्पियर मीटर के दूसरे पॉइंट से वायर उठ के हमारा ये हमने जो ST3 या फिर टर्मिनल दे रखा है बैटरी के आउटपुट के लिए, वहाँ पर हमारा आ जाता है। ये हमारा ST2 या फिर टर्मिनल के पॉजिटिव वाले पॉइंट पर हमारा बैटरी का वायर एमसीबी और एम्पियर मीटर के थ्रू सीरीज में होता हुआ यहाँ पर आके कनेक्ट हो जाता है। अब बचा हमारा दूसरा माइनस वाला पॉइंट, तो ये हमारा माइनस बैटरी के माइनस पर डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। तो ये तो हमारा बैटरी की आउटपुट का मतलब 12 वोल्ट बैटरी हमारा हमारे टर्मिनल या फिर ST2 पर आ गए, जहाँ से कि हम इन्वर्टर चेक करेंगे। तो इन्वर्टर को हम बैटरी करंट देंगे ऑन करने के लिए। यहाँ तक तो बात हमारी क्लियर हो गई। इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारी एमसीबी सीरीज में रहेगी और एम्पियर मीटर भी सीरीज में ही रहेगा। यहाँ से एमसीबी से हम जब एमसीबी ऑफ करेंगे तो हमारी यहाँ पर बैटरी की सप्लाई आना बंद हो जाएगी, जिससे कि हमेशा यहाँ पर करंट नहीं रहेगा। और जब हम कभी इन्वर्टर चेक करने के लिए लगाएंगे तो हम एमसीबी ऑन कर देंगे, ताकि यहाँ पर 12 वोल्ट करंट आ सके। अच्छा, अब इन्हीं पॉइंट्स पर जो हमारे ये टर्मिनल्स लगे हुए हैं, यहाँ पर हम डीसी वोल्ट मीटर भी डायरेक्ट यहाँ पर हम डीसी वोल्ट मीटर जो कनेक्ट करेंगे, तो उससे हमारा बेनिफिट ये होगा कि हमारा डीसी वोल्ट मीटर बैटरी के वोल्ट बताता रहेगा। ये हमारा डायरेक्ट ही कनेक्ट हो जाएगा, प्लस वाला पॉइंट प्लस पे होगा और माइनस वाला पॉइंट माइनस पे कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारा चार्जिंग कट वगैरह सेट करने के लिए काम में आता है। और फिर चार्जिंग कट या लो बैटरी, इससे हमें मालूम पड़ता रहता है हमारी बैटरी में कितने वोल्ट बाकी हैं। उसके बाद आते हैं हम अपने फ्रिक्वेंसी मीटर की तरफ और वोल्ट मीटर की तरफ। ये दोनों वोल्ट मीटर और फ्रिक्वेंसी मीटर हमारा आउटपुट में काम में आता है। आउटपुट यानी इन्वर्टर की जो एसी आउटपुट निकलती है उस पर हमारे कनेक्ट होते हैं। फ्रिक्वेंसी मीटर हमारा इन्वर्टर की फ्रिक्वेंसी वगैरह बताता है, और वोल्ट मीटर हमारा इन्वर्टर की आउटपुट बताता है। हम इन दोनों कनेक्शन आपस में कनेक्ट कर लेंगे। इसमें से भी दो तार निकले होते हैं और दो वायर हमारे वोल्ट मीटर से भी निकले होते हैं। इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे, और आपस में जोड़कर ये हम जो हमने सॉकेट ले रखा है, दोनों हमारे सॉकेट पर कनेक्ट हो जाएंगे। ये वोल्ट मीटर और फ्रिक्वेंसी मीटर के वायर दोनों मिलकर डायरेक्ट सॉकेट पर हमारे कनेक्ट हो जाएंगे। ये सॉकेट पर हम आउटपुट के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी इन्वर्टर की जो हम आउटपुट निकालेंगे वो हम डायरेक्ट सॉकेट में लगा देंगे, दो वायर न्यूट्रल और फेस, ताकि ये हमारा वोल्ट मीटर और फ्रिक्वेंसी मीटर पर से करंट आ सके। और ये चार जो स्विच हमने बना रखे हैं, ये स्विच से हमारा एक वायर फेस का तो डायरेक्ट
सारे स्विच पर कॉमन हो जाएगा, और बाकी जो एक एक पॉइंट्स बचे हुए हैं उन पॉइंट पर से हम ये बल्ब पर कनेक्शन दे देंगे। एक एक बल्ब पर हमारे एक एक स्विच का कनेक्शन हो जाएगा, ताकि हमें कम या ज़्यादा लोड चलाना हो। अगर हमें 400 वाट चेक करना है तो हम चारों स्विच ऑन कर लेंगे, 100 वाट चेक करना है तो केवल 100 वाट ऑन कर लेंगे, और एक वायर हमारा न्यूट्रल पर से कॉमन होकर जिसमें सारे बल्ब का वायर कॉमन हो जाएगा यहाँ पर हमारा लग जाएगा। अच्छा, इसका एक ऑप्शन और भी हो सकता है कि न्यूट्रल का कनेक्शन हम अपने मेन लाइन के न्यूट्रल से डायरेक्ट ही कर दें, और इसमें केवल हम सिंगल तार लगाकर आउटपुट में तब भी आउटपुट चेक कर सकते हैं। ये भी एक सिंपल तरीका है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।